वर्ष 2002 ना गोधरा कांड बाद गुजरात ने बदनाम करवा मामले आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने पालनपुर जेलमांथी अमदावाद जेलमां ट्रांसफर करवानी मांग साथे वकीले अरजी करी छे। केस नोंधायो त्यारथी लईने अत्यार सुधी संजीव भट्ट ने कोर्ट समक्ष रजू न कराया होवानी वकीलनी रजूआत छे। 5000 पेजनी चार्जशीट मां करायेला आरोप मामले पण वातनी जरूर होवानी वकीले रजूआत करी छे। अनेक बाबते वातचीत जरूरी होय जेल ट्रांसफर अथवा वातचीत करवा मंजूरी मांगी छे। आ केस मां तीस्ता सीतलवाड़ अने आरबी श्रीकुमार पण आरोपी छे। अगाउ आरोपी आरबी श्रीकुमारे पोताने केसथी अलग थवा अरजी करी हती। संवाददाता जयेश फोनलाइन पर जोड़ाया छे। जयेश, वर्ष 2002 गोधराकांड बाद गुजरात ने बदनाम करवा मामले आरोपी जे पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने हवे पालनपुर जेलमांथी अमदावाद जेलमां ट्रांसफर करवानी अरजी करवामां आवी छे, शुं विगतो? जी ने हाँ, वर्ष 2012 ना जो गोधरा कांड तो त्यार बाद गुजरात अने पीएम मोदी की छबी खड़ाई प्रकार प्रयासों करवा अंगे तीस्ता सत्तलवाड़ आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट सामे केस चाली रो कोर्ट में जी आने तबक्कावार सुनावणी चाली रही है। तरह आज आरबी श्रीकुमार द्वारा पोताने केस थी अलग करवा मुद्दे अरजी करवामां आवी हती। दरमियान ज वकील द्वारा जे आरो पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट है जेने अमदावाद लावा माटे अरजी करवामां आवी छे। महत्वनुं छे के हाल तेवो अन्य गुनामां पालनपुरनी जेलमां कैद छे, त्यारे तेमने पालनपुरथी अमदावाद जेल लावा माटे एक अरजी छे ते करवामां आवी छे। वकील द्वारा दलील करवामां आवी छे के केस नोंधायो छे ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી સંજીવ ભટ્ટ છે કોર્ટ સમક્ષ હાજર નથી થયા, જેથી કરીને તેમને અહીં અમદાવાદ લાવવામાં આવે જેથી કરીને તેમને કોર્ટમાં હાજર કરી શકાય. જી બિલકુલ જયેશ, જાણકારી બદલ આપનો આભાર.